नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें। लेकिन उस नमस्कार, देख रहा हूं इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूँ आपके साथ अक्षय। और इस वक्त में काराकाट संसदीय क्षेत्र में उपस्थित हूँ और अभी आप देख रहे अंतिम चरण, अंतिम चुनाव और अंत भला तो सब भला होता है, क्योंकि इतने प्रचार आपने देखा, लेकिन अंत में अगर मूवमेंट ठीक है तो सब ठीक है। हम चलते हैं, कुछ जन लोगों से बात करेंगे, संपर्क करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, कुछ आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब की बार काराकाट क्षेत्र में किसकी सरकार। काराकाट क्षेत्र वैसा क्षेत्र बन चुका है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, भारत के कई राज्यों में इस काराकाट क्षेत्र की चर्चा हर जगहों पर। काराकाट क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति उतर चुका है जिसका नाम पवन सिंह है। यहाँ के लोगों में जुनून एक पैदा हुआ और उसके साथ साथ इस क्षेत्र की चर्चा हर जगहों पर होने लगी, क्योंकि इन्होंने फिल्म स्टार होते हुए पूरे फिल्मी दुनिया को ही यहाँ पर उतार दिया, जिसके वजह से बहुत काफ़ी भीड़ जुटी। और लोगों के मन में क्या है ये मैं जानकारी लेकर के आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो नेता और एक अभिनेता के बीच में जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त जीत चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब नेता पड़ रहे हैं अभिनेता पर भारी या अभिनेता पड़ रहे हैं नेता पर भारी, ये ठीक जनता के हाथ किसके साथ है, जनता किसको पहनाएगी ताज और कौन चलाएगा इस काराकाट क्षेत्र की राज। तो चलिए, कुछ लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ और ये लोग सलाह कर रहे हैं, इन लोगों से कुछ जानकारी लेने का प्रयास। और देखिए, आज के डेट ऐसा है कि ऊपर में घाम और नीचे में जाम और जनता है इससे परेशान, क्योंकि काफी तापमान बिहार में बढ़ चुका है, जिसके वजह से घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। फिर भी जहां पे सभा हो रहा है वहां पर भीड़ काफी हो रहा है। भीड़ काफी होने के मतलब ये होता है कि जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं सबकी बातों को सुना जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहना चाहता है, उसके बारे में सब लोग सुन करके और जनता अपने आप में एक मंसूबा बना करके और चुनने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि गौआ जो है पूरा पवन सिंह के ही नाम ले रहा है। पवन सिंह के नाम लेने के कारण हर जाति के लोग पवन सिंह के नाम ले रहे हैं, कहीं सब जाति के लोगों को धमकाए नहीं ना आप लोग? ना ना ना, ऐसा बात नहीं है। ना ऐसा बात नहीं ना, ना ना सोच लीजिएगा। ना ना, धमकैला से थोड़े हो जाएगी, चमकैला से हुई ना। सब कोई पवन सिंह के वोट मरी है। हाँ, सब कोई जनता की यह पसंद बा। हाँ, पूरा हमने ये गांव पवन सिंह के बा। आपकी क्या विचार? हमार का विचार, जनता करे पुकार, अब की बार किसकी सरकार? नया बारात नया दुल्हा चाहिए। हाँ, तो राजा राम जी भी नए दुल्हा है ना? वो पुरान पुरान उपेंद्र कुशा, गाड़ी पुरान हो जाला तो ओकरा घटा दियाला, सर्विसिंग करने के बाद फिर नया हो जाता है। ना ना, सर्विसिंग के लिए पर नया हो जाए। अब की बार मौका आप नहीं देना चाहते हैं? ना, नया बाराती नया दुल्हा, नया बाराती नया दुल्हा, नया दुल्हा। चलिए, इन लोगों को नई दुल्हन देखने के शौक है, इसलिए ये लोग नए दूल्हे के फेरा में पड़ चुके हैं, क्योंकि उम्र के साथ अगर दुल्हा पुराना रखा जाएगा तो पुराना ही दुल्हन यहाँ पे आएगी। यानी दुल्हन की बात के मतलब विकास की बात की मैं बातें कर रहा हूं। अब विकास किसके साथ है, विकास कौन करवाएगा, ये जनता के हाथ में। जनता किससे करती है प्यार, किसको करती है इनकार, ठीक 1 जून को जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम कौन बनेगा यहां का सरकार। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम पवन सिंह हैं। पवन सिंह के? हाँ। कितना पैसा लिए हैं पवन सिंह के वोट मारने के लिए? कोई भी पैसा दे सकते हैं। दे सकते हैं? कितना दे सकते हैं? जितना मैं आसान जाएगा उतना दे सकते हैं, ताकि जिताएंगे पवन सिंह को। पवन सिंह को विश्वास है? विश्वास है। क्यों विश्वास है? काम करेगा क्षेत्र में। जमीनी नेता भी यहाँ पर उतरे हुए हैं लोग? उतरने नहीं, जमीनी नेता से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, केवल पवन। पवन पवन के रट नहीं लटा? नहीं 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 नहीं, पवन के भाई। अब देखिए, पवन के हवन के जो धुआं निकलता है वो धुआं कहां तक जाएगा, ठीक 1 तारीख के बाद पता चलेगा। एक व्यक्ति देखिए पीछे से अभी लाइन में लगे हैं कि रास्ता क्लियर होगा तो हम जाएंगे, लेकिन हम जाने नहीं देते हैं, पहले कुछ सुनने और सुनाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? विक्रम।
विक्रमगंज में विक्रम जी हैं, और क्या आपकी बार किस किस सरकार, क्या है विचार? कैंची छाप जी एकदम। क्या कैंची की कमी हो गया है घर में? कैंची की कमी नहीं, यहाँ विकास की कमी हो गई है। विकास की कमी हो गई जी, तो कैंची विकास करेगा? यस। कैसे आप विकास, कैंची अगर नहीं करेगा तो हम लोग उनको पकड़ करके करवा देंगे। जीतने के बाद कहीं पवन सिंह मुंबई भाग गए तो? मुंबई जिनका काम रहेगा जाएंगे, यहाँ का भी काम देखेंगे। यहाँ के भी देखेंगे जी, यानी यहाँ पर एक ऑफिस बन जाएगा? हाँ एकदम, टाइमली ऑफिस टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे जी जी। चलिए, इन लोगों के विचार है कि पवन सिंह की बने सरकार, अब जनता के हाथ किसके साथ? जय पवन ना? एकदम, इसलिए आप लोग हैं मगन। चलिए, होगा हवन एकदम, आकाश धुआं ढलेगा एकदम, तो अब ये देख रहे हैं धुआं पकड़ा हुआ है। और देखिए, आज के डेट ऐसा है कि ऊपर में घाम और नीचे में जाम, और जनता है इससे परेशान, क्योंकि काफी तापमान बिहार में बढ़ चुका है, जिसके वजह से घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। फिर भी जहां पे सभा हो रहा है वहां पर भीड़ काफी हो रहा है। भीड़ काफी होने के मतलब ये होता है कि जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं सबकी बातों को सुना जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहना चाहता है, उसके बारे में सब लोग सुन करके, और जनता अपने आप में एक मंसूबा बना करके और चुनने का प्रयास कर रही है। मेरे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि गौआ जो है पूरा पवन सिंह के ही नाम ले रहा है। पवन सिंह के नाम लेने के कारण हर जाति के लोग पवन सिंह के नाम ले रहे हैं, कहीं सब जाति के लोगों को धमकाए नहीं ना आप लोग? ना ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं ना सोच लीजिएगा। ना धमकैला से थोड़े हो जाएगी, चमकैला से हो ना। सब कोई पवन सिंह के वोट मरी है। हाँ, सब कोई के जनता की है पसंद बा। हाँ, पूरा हमने के गाँव पवन सिंह के बा। आपकी क्या विचार? हमार का विचार, जनता करे पुकार, अब की बार किस की सरकार? नया बारात नया दुल्हा चाहिए। हाँ, तो राजा राम जी भी नया दुल्हा है ना? वो पुरान कुछ है? गाड़ी पुरान हो जाला तो ओकरा घटा दियाला, सर्विसिंग करने के बाद फिर नया हो जाता है? ना सर्विसिंग के लिए पर नया हो जाए। अब की बार नौका आप नहीं देना चाहते है? नया बाराती नया दुल्हा, नया बराती नया दुल्हा। चलिए, इन लोगों को नई दुल्हन देखने के शौक है, इसलिए ये लोग नए दूल्हे के फेरा में पड़ चुके हैं, क्योंकि उम्र के साथ अगर दूल्हा पुराना रखा जाएगा तो पुराना ही दुल्हन यहाँ पे आएगी। यानी दुल्हन की बात के मतलब विकास की बात की मैं बातें कर रहा हूँ। अब विकास किसके साथ है, विकास कौन करवाएगा, ये जनता के हाथ में। जनता किससे करती है प्यार, किसको करती है इनकार, ठीक एक जून को जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा यहाँ का सरकार। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम पवन सिंह हैं। पवन सिंह के? हाँ। कितना पैसा लिए हैं पवन सिंह के वोट मारने के लिए? कोई पैसा दे सकते हैं कितना दे सकते हैं? जितना मैं समझ जाएगा उतना दे सकते हैं, ताकि जिताएंगे पवन सिंह को। विश्वास है। क्यों विश्वास है? वो काम करेगा क्षेत्र में। जमीनी नेता भी यहाँ पर उतरे हुए हैं लोग? वो उतरने नहीं दिए। जमीनी नेता से कोई मतलब नहीं? ना, कोई मतलब नहीं, केवल पवन। पवन पवन के रट नहीं लटा ए, नहीं, 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 नहीं 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 पवन के भाई नहीं। रट क्यों लगाए? अब देखिए, पवन के हवन के जो धुआं निकलता है वो धुआं कहां तक जाएगा, ठीक एक तारीख के बाद पता चलेगा एक व्यक्ति। और देखिए, आज के डेट ऐसा है कि ऊपर में घाम और नीचे में जाम, और जनता है इससे परेशान, क्योंकि काफी तापमान बिहार में बढ़ चुका है, जिसके वजह से घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। सब कोई पवन सिंह के वोट मरी है। हाँ, सब कोई के जनता की है पसंद बा। हाँ, पूरा हमने के गांव पवन सिंह के बा। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, एक छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र के, यानी कम से लेकर के ज्यादा जानकारी वाले भी लोग हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और पीछे चलिए आप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो संतोष सिंह। संतोष सिंह जी, पहलवान जी वही पहलवान है आप, जिन्होंने ट्रक ट्रैक्टर क्या क्या करके कारनामे दिखला रहे। वही अब की बार आपके काराकाट क्षेत्र की चर्चा भारत के हर राज्यों में हो रहा है, तो अब की बार क्या है विचार? अब की बार विचार है हम लोग का कि नया चेहरा चाहिए। हम लोग उब गए हैं इस सबसे। उब गए इस सबसे
नया चेहरा चाहिए। तो यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि दो नए चेहरे और एक पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं, हम लोग पवन सिंह बोले हैं कि हम गरीब गुजरा करेंगे, जो गरीब का करेगा वही नेता असली होगा। अच्छा, अब की बार क्या है विचार, किसकी सरकार इस काराकाट क्षेत्र में? अब की बार तो पवन के तरफ हम लोग हैं। पवन को देखिए, दूसरे को क्यों नहीं? दूसरे को इसलिए नहीं कि हर बार हम लोग देख चुके हैं। किसको किसको देखे हैं? और बड़ा छटके हैं, क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। किनारे का रह रहे हैं? नहीं नहीं सही भाई, यहीं पर हैं, हम साथ में हैं। साथ में हैं भैया, हमारे भोजपुरिया समाज को कहाँ से कहाँ ले गया वो पवन सिंह है, जिसके नाम से हमारा नाम जो है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप कह रहे हैं कि ये नया चेहरा है, नया चेहरा है, जुनून है उसके अंदर, उसको वोट का जो जुनून है, पैसे का जुनून नहीं है, पैसे के लिए नहीं आया है, वो अपना नाम के लिए आया है, वोट वोट जो है कि वो एक शान है। भोजपुरिया हमारे पूरे आरा जिला, भोजपुरी और रोहतास नहीं बोलेंगे, पूरे आरा जिला जो मेरा घर का है। ये बताइए, पवन सिंह जो काराकाट से लड़ रहे हैं, आरा से भी लड़ सकते थे, क्योंकि आरा में उनका जन्म था। अब आरा की बात आप बोल रहे हैं, तो आरा अब क्या था, ये जिला था, जिला को काट करके दो भाइयों में बांट दिया, रोहतास और भोजपुर। तो ये बताइए, आपके घर के बंटवारा होते तो आपका घर अलग हो जाता है, उनका घर अलग, वो खून अलग हो गया, ब्लड हमारा अलग हो गया, दो भाई तो उनका आरा है, तारा से क्यों नहीं लड़े? अरे भैया फिर बोल रहे हैं कि रोहतास तो भाई उसी का घर है, हम तो उसी के हैं, उसी के खून के हैं। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, देखिए पवन सिंह को मैं जान रहा हूँ कि पवन सिंह यही विक्रमगंज की धरती से उन्होंने आगे बढ़ा, ये बार बार मैं बोलता हूँ, इसलिए कि जब वो गीत गाना शुरू किए थे तो यही विक्रमगंज की धरती ने उंगली पकड़ कर उनको चलना सिखाया है, टीसीडी तक पहुँचाया है, यही विक्रमगंज की धरती ने गीत लिखा है और उनको एक से बढ़कर एक गीत गवाया है, और शायद से लगता है कि यहाँ के लोग अगर हमको अभिनेता बना सकते हैं तो नेता भी बना सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन लोग कहने में कतरा रहे हैं क्योंकि हर किसी को हर जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ जानते हैं और कुछ जानने के बाद में वो हकीकत दिखलाने का प्रयास करते हैं। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बार मैं आपसे अपील करता हूं कि वोट वहीं पर डालिए जहां आपका विश्वास हो, क्योंकि झांसे में न पड़े दारू मुर्गा पर न बिके, क्योंकि वो बार बार खाने को मिलेगा, लेकिन एक बार ये अगर फिसल गया आपका अंगुली ईवीएम से तो लगता है कि फिर ये मौका नहीं आएगा। और अब की बार किसकी सरकार, जनता के हाथ किसके साथ, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा, और कमेंट पे ही हो सकता है कि वोट बनता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भैया ठीक बाप, हमने पर ध्यान चाहिए, ये पास हो कि चाहे जो भी हो कि पास चाहिए। नया चेहरा चुनम के पुराना चेहरा ही बताइए हमारे के। नया चेहरा चुनना पर तो मैंने काम कर दे, हमारा करेगा बगैर नेता जी लोग के करेगा। हाँ तो नेता जी के माने कितना नेता इलन, कितना मुखिया गोइलन ठेकान बा, दस लोगों ने जानकारी दिया, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पे मिले, एक से बढ़कर एक उम्र के लोग यहाँ पे मिले, और अपनी राय अपनी विचार ठीक हमारे आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का